Hey marshmallows, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सबको मेरी पिछली मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में आई जॉम्बी पे बेस्ड एक नई जैपनीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। इसकी स्टोरी को जॉम 100 नाम की एक मांगा कॉमिक से लिया गया है और इसका एनिमे भी लास्ट मंथ शुरू हुआ था और अभी चल ही रहा है। दोस्तों, आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मूवी के अंदर हम अकीरा तेंदो नाम के एक फ्रेशर से मिलते हैं, जो अभी तक एक नई जॉब करने के लिए बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, पर अफसोस कि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह उसे भी सारा काम करना पड़ता है और वो इस चीज से बहुत टेंस हो जाता है। उसके सीनियर का नाम गोंजो कोसोगी था। उसकी जॉब का पहला दिन तो उसके लिए काफी अच्छा बीत रहा था। उसे सब लोग साथ मिलकर वेलकम करते हैं और सौरी नाम की एक ब्यूटीफुल कोवर्कर भी दिखती है। वेलकम पार्टी भी काफी अच्छी बीती, मगर पार्टी के बाद अकीरा को लग रहा था कि अब वो घर जा सकता है, मगर उसका सीनियर कोसोगी उसे बताता है कि अभी तो हमें वापस ऑफिस जाकर 2 दिन की नाइट शिफ्ट में काम करना है। फिर ऑफिस में काम करते वक्त अकीरा को रियलाइज होता है कि इस बड़ी कंपनी में भी लोगों को बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, फिर चाहे उनका मन हो या नहीं, जो कि एक रियलिटी है। अकीरा के फेस का रिएक्शन देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसे उसकी जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ अकीरा को अभी कुछ ही घंटे बीते थे, मगर उसके सीनियर ने उसके ऊपर बहुत सारा काम थोप दिया था और वो उस पे गुस्सा भी कर रहा था। एक दिन अकीरा कैफे में अपने स्कूल फ्रेंड केंचो के साथ बैठकर बातचीत करता है, जहाँ केंचो बड़ा ही फेकू चंद की तरह उसे ज्ञान बांटने लगता है। वो कहता है कि जहाँ तुम्हारी इज्जत ही नहीं हो, तुम्हें ऐसी जगह काम ही नहीं करना चाहिए। साथ ही उसे बताता है कि कैसे वो हर रोज अपने ऑफिस में नई नई लड़कियों को डेट करता है और अपनी जिंदगी को खुल के जीता है। वो उसे एक सुंदर सी मॉडल की फोटो दिखाकर बताता है कि मैं इसे डेट कर रहा हूँ। अकीरा को उसकी इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे उसकी जिंदगी के बारे में जानकर जलन हो रही थी। इस बात पे इनके बीच झगड़ा भी हो जाता है। अब अकीरा को ऑफिस में सपोर्ट करने वाली सिर्फ एक ही थी और वो थी सौरी ओतोरी। वही एक थी जो कि उससे ठीक से बात करती थी और अकीरा को लगता था कि सौरी की जैसी लड़की की लाइफ बहुत इजी होती है। वो सुंदर भी है और कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काफी कॉम्पिटेटिव थी, मगर सौरी उसकी इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि हर किसी काम में वो सब नहीं मिलता जिसकी उससे उम्मीद होती है। अब वक्त के साथ अकीरा काम करते करते डिप्रेशन में जा रहा था। उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। वो चाह के भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था। अगले सीन में अकीरा को सबवे में दिखाया जाता है। वो अपनी मेट्रो का इंतजार कर रहा था और तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी जाता हुआ नजर आता है। और सुबह सुबह जब अकीरा अपने ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था, तो सीढ़ियों के नीचे उसे एक खतरनाक ज़ॉम्बी दिखता है जो किसी आदमी को खा रहा था। इसके बाद जैसे ही ज़ॉम्बी की नज़र अकीरा पे पड़ती है, वो सीधा उसके पीछे पड़ जाता है। अकीरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर देखते देखते बिल्डिंग के बहुत सारे लोग जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे, वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। सड़क पे मंडरा रहे ज़ॉम्बीज भी इंसानों के खून के प्यासे थे। अकीरा भागते भागते टेरेस पे चले जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है और ज़ॉम्बी से बच जाता है। वो बिल्डिंग के टेरेस से जहाँ भी देख रहा था, उसके आसपास के सभी इलाके बर्बाद हो चुके थे। उसे आसपास के इलाकों में भी ज़ॉम्बीज दिख रहे थे, मगर दोस्तों, ये देखकर दुखी होने के बजाय वो बत्तीसी चमकाने लगता है। वो पागलों की तरह इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे ऑफिस से छुटकारा मिल गया था। फिर वो अपनी सौरी को टेस्ट करके उससे इस सब के बारे में पूछता है। जवाब में सौरी उसे एक लोकेशन सेंड करके वहाँ पहुँचने के लिए कहती है। अकीरा फटाफट पाइप की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में उसे एक फ्लोर पे एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ दिखती है। उनसे बात करके उसे पता चलता है कि उनके पास खाने की कमी थी। अकीरा उन्हें कहता है कि वापस आते वक्त तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ ले आऊंगा। इसके बाद अकीरा एक बाइसाइकिल लेकर सीधा सौरी के रूम में चला जाता है, मगर दोस्तों, वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और वहाँ उसे सौरी मिलती है जो कि बहुत डरी हुई थी। वेल, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इस कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि अपने बॉस के साथ थी। वो बॉस पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और वो उनके ऊपर हमला कर देता है, पर अकीरा और सौरी साथ मिलकर उससे निपटते हैं। इसके बाद अकीरा को पता चलता है कि सौरी और उसके बॉस दोनों का कुछ वक्त से अफेयर चल रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि सौरी के हाथ पे भी बाइट का निशान था, जिसके चलते कुछ ही देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है।
उसकी बुरी हालत देखकर अकीरा के आंसू निकल जाते हैं और वो उससे अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, घर वापस पहुंचकर अब अकीरा पाइप के ऊपर चढ़ रहा था तो वो रास्ते में उसी कपल के कमरे के अंदर झांकता है, मगर अफसोस वहाँ भी उसे सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है, यानी कि उनपे भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। फिर अकीरा अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि अब उसके साथ कोई नहीं था। वो ये फैसला करता है कि अब वो हर वो चीज करेगा जिसे वो करना तो चाहता था मगर कर नहीं पाता था। इसके बाद हम मूवी के टाइटल को समझते हैं, क्योंकि अकीरा अपने डेस्क पे बैठकर उन 100 विशेष की बकेट लिस्ट तैयार करता है जिन्हें वो ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से पहले पूरा करना चाहता था। उनमें से कुछ थी अपने बालों को कलर करना, अपने कमरे को साफ करना, बाहर से ट्रॉली भर के शॉपिंग करना, और इसके अलावा भी वो कई सारी चीजें करना चाहता था। अगली सुबह वो काम की शुरुआत अपने कमरे की सफाई से करता है। उसके बाद वो बाईसाइकिल लेकर शॉपिंग करने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है और बिना पैसे दिए अपनी पसंदीदा चीजों को ट्रॉली में भर लेता है और वो अपने बालों में भी रंग बिरंगे कलर कर लेता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया था इसलिए वो वापस से ब्लैक कलर कर लेता है। इसके बाद वो एक बड़ी सी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के ऊपर खुद की ड्राइंग भी बनाता है। इसके बाद वो पटाखे की दुकान जाकर वहाँ से बहुत सारे पटाखे ले लेता है। सारा माल फ्री का जो था, रात के वक्त वो टोक्यो टावर के पास आतिशबाजी करने का सपना भी पूरा कर लेता है। दोस्तों, आप अकीरा की जगह पे होते तो आप क्या करते? अगली सुबह अपने टेरेस पे जाकर कैंपिंग स्टोर से खरीदी डिश ट्राई करता है, मगर उसके पास सॉस नहीं था इसलिए वो अपने फेवरेट सॉस लेने के लिए एक बार फिर स्टोर पे जाता है। वो अभी मसाले ढूंढ ही रहा था कि इतने में वहाँ एक हेलमेट कवर के साथ रेड ड्रेस में कोई उस पे हमला करने की कोशिश करता है, बट जब वो हेलमेट उतारती है तो पता चलता है कि वो एक बहुत सुंदर लड़की थी जो कि ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इस स्टोर पे छुपी हुई थी। उसका नाम शायद डोरेमोन से लिया गया था। हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, उसका नाम था शिजुका। अकीरा उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया था। ये दोनों एक दूसरे से बोलना शुरू कर ही रहे थे कि तभी बाहर से एक आदमी उनके दरवाजे पे आता है। अकीरा भाग के उस आदमी की मदद करने जाता है, मगर इतने में दो ज़ॉम्बीज उनके स्टोर में आ जाते हैं। फिर शिजुका उनमें से एक को सबक सिखाती है और दूसरे को म्यूजिक की आवाज़ सुनाकर उसे दूसरी तरफ भगा देती है। ये देखने के बाद अकीरा को भी इन ज़ॉम्बीज से बचने के तरीके पता चल गए थे। इस फाइट के बाद शिजुका स्टोर से जाने लगती है, लेकिन अकीरा उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है, जिसके जवाब में शिजुका उसे कहती है कि तुमने उस आदमी को बचाने के लिए जो बेवकूफ़ी की वो दोबारा मत करना, किसी पे ज्यादा भरोसा मत करो, और ज़ॉम्बीज से बचना चाहते हो तो खुद की मदद करो, ना कि दूसरों की। अकीरा अब अकेला था। शाम को वो अपने दोस्त कैंचो का नंबर डायल करता है और हम देखते हैं कि कैंचो अभी तक ज़ॉम्बीज से बचा हुआ था। वो खुद को अपने कमरे में बंद करके वहाँ छुपा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अकीरा उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, मगर कैंचो को उसकी कही इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगले सीन में हम अकीरा को रग्बी की यूनिफॉर्म में देखते हैं, जो कि एक कूल सी स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए ज़ॉम्बीज से भरी रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ता है। उसे ड्राइव करते करते अंधेरा हो गया था और होटल के नीचे वो एक ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर चलाकर उसे रोड पे फेंक देता है, जिसके बाद यहाँ खड़े ज़ॉम्बीज मिलकर उस स्पीकर की तरफ भागते हैं और अकीरा मौके का फायदा उठाकर होटल के अंदर कैंचो के पास जाता है। यहाँ कैंचो उसे उसके कॉलेज कॉस्ट्यूम में देखकर सरप्राइज हो गया था और इतने में ज़ॉम्बीज वापस आने लगते हैं, जिन्हें चकमा देकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ अकीरा कैंचो से पिछली बार की लड़ाई के लिए उससे माफी मांगता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर जेलस हो गया था। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से बचने की बात करते हैं। इतने में कैंचो की नज़र अकीरा की ड्रीम लिस्ट पे पड़ती है और वो उसे पढ़ के एक सरकास्टिक हंसी हंसता है, क्योंकि उस लिस्ट में अभी सिर्फ 12 ड्रीम्स लिखे हुए थे। कैंचो उसे कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम अपनी ड्रीम लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते हो। उसकी बात सुनकर अकीरा अपनी लिस्ट में सुपर हीरो बनने की विश भी लिख डालता है, जो कि लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, अब इसके आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या अकीरा अपनी बकेट लिस्ट को पूरा कर पाएगा या फिर खुद भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएगा? और शिजुका का क्या होगा? ये सब मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप 2023 की ज़ॉम्बीज में बनी साउथ कोरियन फिल्म रंगनम ज़ॉम्बी को देख सकते हैं।